मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। घटना के बाद एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह ने पीड़ित दशमत रावत के चरण धोकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ अब असली और नकली पीड़ित को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पीड़ित की जगह किसी दूसरे शख्स को मुख्यमंत्री से मिलवाने भोपाल ले जाया गया, जिसके बाद से लोग असमंजस में हैं कि क्या वाकई में सीएम ने पेशाब कांड के पीड़ित की जगह दूसरे शख्स के पैर धो दिए। आखिर इसके पीछे पूरा सच क्या है? दावे के पीछे की सच्चाई जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर असली और नकली पीड़ित को लेकर विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा कि सीधी पेशाब कांड में बड़ा खुलासा, शिवराज ने किसी और के पांव धोने की नौटंकी की, असली पीड़ित लापता है क्या? शिवराज जी, इतना बड़ा षड्यंत्र मध्य प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। बस फिर क्या था, कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर असली और नकली पीड़ित को लेकर सियासत शुरू हो गई। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो सीधी जिले के एसपी रविंद्र कुमार वर्मा मीडिया के सामने आए, खंडन करते हुए कहा कि कुबरी गांव में हुई अपमानजनक घटना की पीड़ित यानी दशमत रावत को ही मुख्यमंत्री आवास में ले जाकर सम्मान दिलाया गया था। सीधी जिले के वायरल वीडियो मामले में कुछ न्यूज चैनलों द्वारा एवं सोशल मीडिया पे एक खबर चलाई जा रही है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति दशमत रावत नहीं है। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है वह दशमत रावत ही है। अतः मैं पुलिस अधीक्षक सीधी ऐसी तमाम भ्रामक खबरों का खंडन करता हूं। इतना ही नहीं, सीधी के कलेक्टर साकेत मालवीय ने भी बयान जारी किया और कहा कि वायरल वीडियो मामले में कतिपय कुछ न्यूज चैनलों मीडिया ग्रुप में ये भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि वीडियो में दिख रहा पीड़ित व्यक्ति दशमत रावत नहीं है, जबकि पुलिस विवेचना में पुष्टि की जा चुकी है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति दशमत रावत ही है। सीधी जिले में जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जांच पूछताछ और वीडियो के डिजिटल डेटा की जांच के उपरांत पाया गया कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो दशमत रावत हैं और जो आरोपी व्यक्ति हैं वो प्रवेश शुक्ला हैं। विगत दिवस में कतिपय न्यूज चैनल और अन्य संचार के माध्यमों में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो दशमत रावत नहीं है। ऐसे किसी भी खबर का चूँकि सीधी पुलिस पूर्व में ही खंडन कर चुकी है, इसलिए जिला प्रशासन भी इसको असत्य मानते हुए और तथ्यों से परे मानते हुए खंडन करता है। पीड़ित व्यक्ति जो वीडियो में है उसकी पहचान दशमत रावत के रूप में हुई है और इसलिए ऐसे कोई भी न्यूज खबर जो ये बताते हैं कि पीड़ित व्यक्ति दशमत रावत नहीं है उसका खंडन किया जाता है। अब जब असली और नकली पीड़ित को लेकर विवाद शुरू हुआ तो पीड़ित दशमत रावत ने भी बयान जारी किया और बताया कि उस दिन ये दीनदयाल साहू की दुकान के पास बैठे थे, लेकिन इन्हें खुद याद नहीं कि हुआ क्या। पेशाब का वायरल वीडियो साल भर से ज्यादा पुराना है। तो बता, सिगरेट पी के आ रहा था, चुप खड़ा होकर चैन खोल कर मुझे लगा, जो कि हम उसका चेहरा भी नहीं देखे कौन है, हमने कुछ उसको कुछ बोलवा भी नहीं भी। चुप्पे फिर वो अंदर घुस गया दीनदयाल की है दुकान में, हम अपने उठे तो चुप्पे चले आए, हम किसी को नहीं बोले, अपने घर वाले किसी को नहीं बताया। अच्छा जी, मतलब आस पड़ोस में कोई को अपना बता किसी से नहीं है, मतलब कैसे का भाई इनके अपना बता। हम जन्म नहीं बने का हमारे संग लगा, ये तो फिर बाद में वीडियो सब दिखावे लगे, तब अपना किया था वीडियो वायरल करी दिन दे तब पूरा सब कहा लगे, तब हम कहें ठीक, जो कि हम पूरा गवाही सही नहीं देते रहे कि हमारा वीडियो नहीं, हम यकीन कर रहते रहें कि हमारा वीडियो है नहीं। हाँ, अपना पहले यह कहना है कि हमारा वीडियो है नहीं, थाना पर लगी हैं जितेंद्र की पकड़ के हैं, कलेक्टर साहब लेके गए हैं पहुँचावे, कुवारी कलेक्टर वह लेके गए हैं अपने के थाना पर पहुँचवाए हैं। अच्छा जी, मतलब अपना सुधीर नहीं रहे कि काम। हाँ, हाँ। अच्छा, अपना कुछ हाँ अगर थोड़ा थोड़ा तो लेना है, अगर जो कि हम बयान सही नहीं दें कि हम ही ना हैं, कहीं देख ली हमारा चेहरा अपना मिला ली, कपड़ा सब चीज मिला ली, कलेक्टर से कहने की ठीक कोई बात नहीं कलेक्टर साहब, कहीं तब तुम नहीं हो तब क्या कर सकते हैं। पीड़ित दशमत रावत और प्रशासन के बयान के बाद साफ हो गया कि वायरल वीडियो में जिस शख्स के ऊपर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब की थी वो कोई और नहीं बल्कि
दशमत रावत ही थे। वहीं अपीड़ित दशमत रावत ने राज्य सरकार से इस कृत्य में शामिल आरोपी प्रवेश शुक्ला को रिहा करने का आग्रह किया। दशमत रावत का कहना है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारी मांग ही है सरकार से कि जो गलती हो गई थी हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। जो आपको प्रवेश शुक्ला को छोड़ जी हाँ आप प्रवेश शुक्ला को आप छोड़ दी जाए, जो हो गया तो हो गया, अपने आप अपनी गलती महसूस कर ली है। किया उसके बाद भी हाँ हो गया, अब हम मान लेते हैं, हमारे गांव के पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार उसको छोड़ दे। अभी आप आर्थिक सहायता राशि वगैरह आपको मिली है? सब मिली है, मुख्यमंत्री पूरा सब दे दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना की हर जगह निंदा हुई थी। वायरल वीडियो में प्रवेश शुक्ला नाम का शख्स एक व्यक्ति पर पेशाब कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत रावत को अपने आवास पर बुलाया था और बाकायदा चरण धोकर साथ में भोजन किया था। इस बारे में जब पंजाब केसरी की टीम ने पीड़ित दशमत रावत से बात की तो उन्होंने बताया था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े आदमी ने पैर धोया। हमें संकोच भी हुआ लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं माने। उन्होंने कहा तुम मेरे सुदामा हो। बहुत अच्छा अनुभव, ऐसा तो पहली बात हुआ कि कोई मंत्री छोटा आदमी पैर धोए। मान लीजिए हम इतना संतुष्ट थे कि पैर हम खुद नहीं धोने देते थे, अपने हाथों से जब उठा ले थे धोने के लिए, मगर कहीं नहीं हम सब करेंगे। क्या कहा उन्होंने चलते? हम तुम हमारे सुदामा, तुम इतने दूर से लेके आए हैं, तुम मंगाए हैं, तुम बैठो, पूरा व्यवस्था करवाएंगे, फूल माला चढ़ा है, चाय नाश्ता भाई संगन लगे हैं, पौधा वौधा लगाएंगे। बहरहाल सीधी पेशाब कांड का आरोपी प्रवेश शुक्ला इस समय जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।